आज पहली बार ये जो मंडल है उनका पहला गोविंद पदक है और वो बड़े मज़े से चल रहा है और हमें इस बार बुलाया है, बहुत हमें अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लगा सर? एकदम बहुत एकदम खुशी हुई। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे स्टेज पे आज जाना हुआ मेरा। एक्चुअली कांग्रेचुलेशन करता हूँ उनको और थैंक यू। अब अभी क्या क्या कर रहे हो सर? एक्चुअली मैं रेमंड से मॉडलिंग कर रहा हूँ, अभी कंप्लीट हुआ मेरा। अब यहाँ पे मेरा भांडुप में, स्टेशन में, ठाणे मुलुंड में पोस्टर्स लगे हुए सब। सो आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। सिद्धार्थ सर, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्ते, मेरा नाम सुजय सुवास बागवे है। मैं आज से पहले आपको बहुत बार मिल चुका हूँ। बड़ी दूर से आए सीरियल में सोनी पल पे चलती थी, सोनी सब पे चलती थी, फिर सोनी पे पेशवा बाजीराव जो आपने देखी है, फिर मराठी मूवी कट्यार काळजात घुसली और थोड़े दिन पहले आज उसे 1 महीना हुआ रिलीज़ होके पुष्पक विमान मराठी फिल्म आई थी, उसमें मैं था। सर आपके बारे में? नमस्कार, मैं संदीप रेडकर। आप यहाँ पे मुझे आने पर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे मेरे बचपन के दिन याद आने लगे जब से मैं ट्रिपल 1 का, डबल 1 का पे चढ़ता था। तो दही हंडी एक ऐसा उत्सव है जिसमें जितना मज़ा कर ले उतना कम रहता है। सुबह से लेके रात तक इतना मज़ा आता है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, मटकी फोड़ो, उसमें का माखन चुरा के खाओ। माखन चूराने नहीं मिलता है क्योंकि बहुत लोग उसमें पानी ज़्यादा डालते हैं, लेकिन जितना भी मिलता है उतना बहुत मज़ा करते हैं। यहाँ का दही हंडी पे चढ़ने के बाद यहाँ का रुपीस निकालो, यहाँ का केला निकालो, यहाँ का ककड़ी निकालो, बहुत सारा मज़ा आता है। वैसे ही मेरा दोस्त दीपेश ने ये पहली बार दही हंडी का महोत्सव रखा है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि उसने उस पहले महोत्सव में मुझे बुलाया और मेरे साथ ये बड़े दिग्गज लोगों को बुलाया। इसके लिए मैं बहुत उनका आभारी हूँ और दीपेश के लिए मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उसको ऑल द बेस्ट भी करना चाहिए। उसके साथ मैंने काम भी किया हुआ है, एक हाउसफुल नाम का हम दोनों का नाटक था, उसमें मैं काम करता था, बहुत मज़ा किया और हमें आगे बहुत भी काम करने हैं। आपने कभी दही हांडी फोड़ा है? हाँ सर, मैंने बहुत फोड़ी है। जब से मैं 5वीं में था तभी से मैं दही हांडी फोड़ रहा हूँ। अभी थोड़ा कमर्शियल आर्टिस्ट होने के बाद वो थोड़ा वक्त नहीं मिलता है, यहाँ वहाँ शूटिंग पे जाना पड़ता है, इसके वजह से अब भी नहीं किया। एक 3 साल 4 साल हो गए, लेकिन पहले मैं दही हंडी के 3 जो 1 के रहते उसमें के 2 1 के में मैं रहता था। बहुत मज़ा आता था, बहुत मज़ा किया मैंने। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाता हूँ तब से दिल में बहुत धक-धक होने लगती है और मैं बहुत ही इंजॉय करता था वो। आज भी अभी मैं देख रहा हूँ तो सामने मुझे इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कभी कभी कपड़े उठ रहा हूँ, टी-शर्ट पहन लूँ और आगे जाओ। थैंक यू सर फॉर आने के लिए। थैंक यू। प्रणाम केला मातेला तानाजी वीर चालला कमरेला बांधला शेला शेलार मामा होते संगतीला। अभी मेरा 10 चालू है, इसके बाद थोड़े ही दिन में मैं आपको फिर से मिलने के लिए आऊँगा। एक गोविंदा जी के साथ मेरा मूवी आ रहा है आला रे आला, उसमें आपको पक्का दिखूँगा। मैं दीपेश मलबारी, 30 सेकेंड मीडिया हाउस का डायरेक्टर। मनोरमा फाउंडेशन और 30 सेकेंड मीडिया हाउस हम दोनों ने मिलके ये बार दही हंडी का आयोजन किया हुआ है। ये दही हंडी के लिए मनोरमा फाउंडेशन जो काम करती है वो सोशल और एजुकेशनल वर्क करती है बेसिकली मुलुंड से। 30 सेकेंड मीडिया हाउस ये प्रोडक्शन हाउस है, हम दोनों ने मिलके ये दही हंडी का आयोजन किया है। यहाँ पे कम से कम 15 से 17 दही हंडी पथक आने वाले हैं जो सलामी देंगे। और एक ख़ास बात ऐसी है कि ये दही हंडी जो फोड़ने वाले हैं वो जो पथक आने वाला है, दे गाइज आर ब्लाइंड, वो देख नहीं सकते, फिर भी उन्होंने कोशिश करके बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके अभी ये हासिल कर लिया है कि वो बिना देखे भी ये दही हंडी फोड़ सकते हैं। तो ये दो फीमेल और मेल ऐसे 2 ग्रुप आने वाले हैं जो ये दही हंडी फोड़ने वाले हैं। थैंक यू। 30 सेकेंड्स मीडिया के बारे में बताओ। 30 सेकेंड्स मीडिया हाउस 3 साल पहले चालू हुआ था। उसके अंडर हम लोग एडवर्टीजमेंट्स, इवेंट्स और फिल्म्स करते हैं। ठीक है, मतलब एक इवेंट करना बहुत बड़ी बात होती है। पुलिस स्टेशन, बीएमसी, एमएससीबी, ये सबको टैकल कर कर के ये एक इवेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। पर मैं नसीबवान हूँ कि हमारे यहाँ के जो पुलिस है, बीएमसी है या एमएससीबी ऑफिसर्स है, उन्होंने काफ़ी अच्छे से मुझे गाइड किया है और प्रॉपर वे से उन्होंने मुझे जो भी मेरे डाउट्स थे वो क्लियर करके उन्होंने मुझे ये सब करने की इजाज़त दी है। दही हंडी का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। मैं ये फर्स्ट ईयर है मैं कर रहा हूँ। 30 सेकेंड मीडिया, उसके अंडर हम लोग इवेंट्स करते हैं, एडवर्टीजमेंट्स होती है, फिल्म्स करते हैं, फिल्म प्रोडक्शन हाउस है ये। मुलुंड में एडिटिंग का सेटअप है जहाँ पे फिल्म्स एडिट हम लोग करते हैं, एडवर्टीजमेंट्स एडिट करते हैं और बस। थैंक यू। दही हंडीबद्दल तुम्हाला सांगायचं म्हणजे मी स्वतः लालबाग परळमध्ये लहानाचा मोठा झालो, त्यामुळे ह्याचं आकर्षण मला लहानपासूनच आहे। म्हणजे आधी आम्ही थराला असायचो, आज आम्ही थर उभे राहताना बघतोय, याचा आनंद वेगळाच मिळतोय। आणि हा सण म्हणजे असं असतो ना की जुने मित्र किंवा आता जसे आम्ही मोठे आलो, आमचे काही मित्र दुसरीकडे राहायला गेले, काही जॉबसाठी बाहेरगावी गेले, पण हा एकमेव सण असा आहे ना, हा आणि आमचा गणपती बाप्पा। तर ह्या सणाच्या वेळी आम्ही सगळे एकत्र येतो आणि एकत्र आल्यानंतर दहीहंडी हा दुसरा पार्ट झाला, पण एकत्र आल्यानंतर आमचा एक वेगळा इव्हेंट आम्ही सेलिब्रेशन करतो। तर या दहीहंडीबद्दल बोलायचं झालं तर प्रत्येक ठिकाणी खूप थर चाललेले आहेत, थर उभं करण्याची कॉम्पिटिशन चालू आहे। तर मला ते कुठेतरी अजूनही जरा खटकतं की 9 थर 10 थर ह्याचं ह्यासाठी जो अट्टा चाललेला आहे ना, कारण काय आलं की त्याच्यामुळे ना एक कॉम्पिटिशन तयार झालेलं आहे। म्हणजे उत्सव बाजूला राहिला आहे आणि कॉम्पिटिशन सुरू झाले। तर मनोरंजनासाठी आपलं 5 थर जे आपली पारंपरिक संस्कृतीनुसार चालू झालेलं आहे ते जर टिकवून ठेवलं प्रत्येक मंडळाने तर अजून खूप मजा येईल ह्या इव्हेंटमध्ये। कारण तुम्हालाही माहिती आहे की थर भरपूर लागताना पडतात, काही मुलांना फ्रॅक्चर होतात, काही दुखापत होते। त्या मुलाला लागल्यानंतर फक्त त्या मुलाला लागत नाही तर अख्खं घर त्याचं सफर होतं, त्यासाठी त्याचे आई वडील, त्याचे नातेवाईक। तर ती काळजी घ्या प्रत्येक मंडळाने। तुमचा जर अट्टा असेल की 8 थर 9 थर, पण त्या मुलाची पण तेवढी काळजी घ्या। त्या थरावर जे उभे राहतात त्या मुलांची, त्या बाळगोपाळांची पण तुम्ही काळजी घ्या असं मला वाटतं मनापासून। अभी तो मेरी एक सब टीवी पे एक सीरियल चालू थी, अभी फ़िलहाल बंद हुई, आदत से मजबूर हिंदी सीरियल थी। अभी मेरा सोनी मराठी एक नया चैनल आया है, वहाँ पे दुनियादारी फिल्मी स्टाइल ये नया प्रोजेक्ट मेरा अभी रन हुआ है। उसका अभी 2 शेड्यूल हो गया, उसका 2 एपिसोड। और अक्टूबर में मेरी एक फ़िल्म आने वाली है, रॉकी, जो मराठी फिल्म है, एक्शन मूवी है। फर्स्ट टाइम मराठी में एक एक्शन मूवी आने वाली है, उसमें मैं काम कर रहा हूँ। बात मुझे बोलनी है 30 सेकंड मीडिया हाउस और मनोरमा फाउंडेशन के बारे में। तो उसके होल एंड सोल मेरा दोस्त दीपेश मलवारी, इसके बारे में बोलूँ तो बहुत कम समय में हम दोस्त हो गए, बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई हमारी, हमारे विचार बहुत एक होते हैं, इसलिए बहुत अच्छे दोस्त हुए। तो इसने मुझे कल फ़ोन किया और मैं आया, सिर्फ दोस्ती खातिर आया हूँ मैं। ऐसे हमारी दोस्ती फले फूले। और उसका फाउंडेशन के मेरी खुद की फाउंडेशन है, समर्था फाउंडेशन, और मेरा दोस्त स्वप्निल पात्रे। आइए सर, आइए सर। हाँ, स्वप्निल पात्रे, दीपेश मलबारी याची मनोरमा फाउंडेशन संस्था आहे, यांची पारिजात नावाची संस्था आहे आणि माझी समर्थ फाउंडेशन नावाची संस्था आहे। तर खरं तर आम्ही संस्थेतून एकत्र आलेलो आहोत आणि आमची अशी मैत्री झालेली आहे। तर स्वप्निल पात्रे आता हे जरा ह्याच्या पारिजात संस्थेबद्दल तुम्हाला काही सांगतील। बेसिकली पारिजात मुंबई ही संस्था आम्ही 10 वर्ष झाले आहेत त्या संस्थेला, आणि 10 वर्षापासून आम्ही वेगवेगळ्या सोशल आणि कल्चरल इव्हेंट्स करतो आहे आणि सोशली जे बॅकवर्ड मुलं आहेत त्यांना मदत करण्याचं काम करतो आहे आमच्या पद्धतीने। आणि 30 सेकंड मीडिया आहेत जे हितेश मलबारी आहेत त्यासुद्धा आम्हाला त्या कामात मदत करत आहेत, म्हणून त्यांना शुभेच्छा देण्यासाठीच आम्ही इथे आलेलो आहे। मराठी में जाए हिंदी में जाए। नमस्कार, मेरा नाम आनंद मेनन है, मैं म्यूज़िक इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ और कई सारे काम मराठी फिल्म इंडस्ट्री में, मराठी फिल्मों में एज म्यूज़िक डायरेक्टर, एज एन अरेंजर काम किया है, हिंदी फिल्मों में एज एन अरेंजर काम किया हुआ। और यहाँ 30 सेकंड्स मीडिया एंटरटेनमेंट में जो इनकी जो फिल्में चल रही है उनका म्यूज़िक भी मैंने ही किया हुआ है और पिछले कई सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ। और आज यहाँ पर 36 मीडिया एंटरटेनमेंट का जो दही हंडी का जो प्रोग्राम है उसमें सहभागी हुआ हूँ। और कुछ आने वाले प्रोजेक्ट 30 सेकंड मीडिया एंटरटेनमेंट का ही क्लिक करके एक पिक्चर है जो बहुत ही कमाल की स्टोरी लाइन है, जिसमें 4 गाने हैं और मराठी फिल्म होने के बावजूद उसमें एक हिंदी कव्वाली भी है और 3 गाने और भी हैं, जिसमें एक गाना अवधूत गुप्ते ने गाया हुआ है, एक अभिजीत कौसुम्बी ने गाया हुआ है और चौथा जो टाइटल सॉन्ग है उसका वो अभी डब होना बाकी है। बाकी 3 गाने हो चुके हैं, कव्वाली जो मैंने गाई हुई है और एक वेलकम टू पटाया करके है, उसका भी काम चल रहा है। और तीसरा प्रोजेक्ट है वो अननेम्ड है, बेसिकली नाम अब तक आउट नहीं किया हुआ है। और ये सारे प्रोजेक्ट्स अभी फ़िलहाल पाइपलाइन में हैं, तो मैं ये आशा करता हूँ कि इस साल या फिर 2019 स्टार्टिंग होते ही ये सारी चीज़ें बाहर आनी चाहिए। बहुत ज़माने जब हम छोटे थे तो हम हमेशा क्राउड में खड़ा रहकर हम लोग देखा करते थे कि स्टेज पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को बुलाए जाते थे, और आज उस लेवल पर आकर एज अ सेलिब्रिटी उस स्टेज पर जाके चढ़ना और हमारा सम्मान होना ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। और दीपेश का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और 30 सेकंड मीडिया एंटरटेनमेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये सम्मान और ये इज़्ज़त नवाजा है हमको और यहाँ तक लाके खड़ा किया है। तो थैंक यू सो मच दीपेश, थैंक यू सो मच 30 सेकंड मीडिया एंटरटेनमेंट एंड जय श्री कृष्ण और जय।